नोटिफिकेशन, छोटा सा नोटिफिकेशन समझते हैं आप, ठीक है, लेकिन उस नोटिफिकेशन में खुशी इतनी थी, उस खुशी के तहत मैं आप टूट लेंगे। मैं सलाम अलैकुम नदीम भाई। वालेकुम सलाम। सलाम बाद में लेंगे, पहले आप वीडियो में। क्या कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जनाब को बताऊँगी, यूके में खराब होने वाली चीज़ों में मौसम पहले नंबर पे नहीं आता, गाड़ी पहले नंबर पे आती है। क्योंकि मौसम जितना भी खराब हो, अगर आपकी गाड़ी खराब है तो आप अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे जो चीज़ यूके में खराब होने वाली चीज़ों में आता है, वो आपका कैरियर है, जो कि आप सिक्योरिटी की शिफ्टें लगा लगा के खराब कर बैठते हो, ठीक है। तो सीन अब मेरे साथ ऐसा कुछ सीन हुआ है कि एक नोटिफिकेशन, छोटा सा नोटिफिकेशन समझते हैं आप, ठीक है, लेकिन उस नोटिफिकेशन में खुशी इतनी थी, उस खुशी के तहत मैं अपनी, ये सीन हो गया मेरे साथ, ये देखें जनाब, ये अभी ली थी मैंने गाड़ी, ठीक है, ये इसके साथ हो गया, सिर्फ एक नोटिफिकेशन मैंने देखा, ठीक है, वो देखते देखते मैं अपनी गाड़ी का कुछ निज़ाम ख़राब कर बैठा हूँ। ये देखें, यहाँ से ये इधर से थोड़ा अंदर हो गया, और ये जो चीज़ है ना, ये देखें, ये इसकी थोड़ी सी ख़राब हो चुकी हुई है। तो अभी सीन ऐसा है कि जनाब इसको हमने करवाना है फिक्स, ठीक है, फिक्स करवाने के लिए हमने जाना पड़ेगा मैकेनिक के पास। और मैकेनिक की आप लोगों को मैं ये बताऊं, मैकेनिक यहाँ पे इस तरह है जिस तरह पाकिस्तान में गायनी डॉक्टर के पास रश लगा होता है ना, ठीक है, जितना भी काम आप लोगों का ख़राब हो, लेकिन उनके पास रश मुकता ही नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं अभी जाऊँगा वहाँ पर, तो ये गाड़ी लेके मैकेनिक के पास उसको दिखाना, और उससे पहले हमने बैंक जाना है, ठीक है, क्योंकि मेरे बैंक का थोड़ा सा प्रॉब्लम बना हुआ है, ठीक है, तो बैंक मैंने जाना है, पहले बैंक चलते हैं, बैंक जाने के बाद फिर हम जाएंगे मैकेनिक के पास। अच्छा, सीट बेल्ट यहाँ पे लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पाकिस्तान में तो मसला ये है ना कि हो कोई टेंशन नहीं, ठीक है यार, क्यों ना आ जाना, ग्लासेस भी लगाता हूँ। बारिश यहाँ पे मुसलसल ज़्यादातर होती रहती है, ठीक है, तो बारिश का इतना ज़्यादा इधर टेंशन नहीं बनती किसी को भी, क्योंकि ये बारिश इधर के मौसम का कोई पता नहीं चलता कि बारिश कभी भी यहाँ पे शुरू हो जाए। ज़्यादा देर मैं शूट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अगर आगे पुलिस वालों ने देख लिया ना मुझे कि मैं कैमरा पकड़ा हुआ होल्ड किया हुआ है, ठीक है, तो पुलिस वालों ने सबसे पहले मेरी माफिंग करनी है, उसके बाद उन्होंने मुझे एक चलान देना है, टिकट देनी है, और टिकट जो सी है ना वो फिर मुझे पे करनी पड़नी है। बैंक हम पहुंच चुके हैं, लेकिन मसला यह है कि गाड़ी की पार्किंग बहुत पीछे लगाई है, ठीक है, यहाँ पे पार्किंग मिल नहीं थी। अच्छा, इस मुल्क में पार्किंग का भी बहुत मसला है यार, कि पार्किंग भी नहीं मिलती है, तो बहुत पीछे लगाई है गाड़ी, अब वॉक करके मुझे आगे बैंक तक जाना पड़ेगा, ठीक है। तो एडा वड्डा देखा जी कभी खरबूजा, लुक एट दिस, वाह कमाल है यार, लेवल है यार, ये मेरे बैंक की बिल्डिंग के ऊपर, वो तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कोई हेल्थ केयर की बिल्डिंग है यार, ये बैंक ही है, लग तो बैंक ही रहा है। आ देखो माई, साड़ी माइया जड़िया ने इस उम्र के बच्चे मंजी से बैठिया पुत्र मच्छर दे रही होंगे ने, कि ठीक है बेगम ने जरा तंग किया कर, बेगम ने जलील किया कर। खैर मैं बैंक पहुंच चुका हूँ, ठीक है, तो बैंक से फ्री होता हूँ तो फिर आप लोगों से जनाब मैं मिलता हूँ। एंटर होते साथ ही एक खूबसूरत महिला ने मुझे बोला कि जनाब यहाँ आके बैठो और तुम्हारा जो इशू है वो रिजॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जब इशू मैंने उन्हें बताया कि मेरा ये 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 पूरी लिस्ट मैंने उन्हें बता दी कि मेरे अकाउंट के ये मसले हैं, फिर उन्होंने बोला जी हम तो 10 मिनट के अंदर बंद कर रहे हैं, आप कल आ, ठीक है। अरे यार, काश इधर कोई मैनेजर वाकिफ लगा होता अपना, जिसमें पाकिस्तान में होता है, बंद करवा के मेरे, मैं उसके साथ बंद करवा के जाता बैंक, इशू सॉल्व करवा के, बैंक मेरी वजह से खुला होता, काश बट ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जनाब अभी हम जाएंगे मैकेनिक के पास, भूल गया मैंने तो ये भी लगानी थी, ठीक है, गाड़ी पे हम पहुंच चुके हैं जनाब, गाड़ी में हम पहुंच चुके हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ओके लेट्स गो, चलते हैं जनाब मैकेनिक की तरफ, ठीक है, फिर वहां पे जाके आपको मिलते हैं।
इन्होंने जनाब हमारा वेट करना, जब हमने निकल जाना उसके बाद इन्होंने निकलना है, क्योंकि यहाँ इस जगह पे हमारी प्रायोरिटी है जाने की, और जब हमने वापस यहाँ से गुजरना है फिर हमने वेट करना है, इन्होंने गुजरना है। जिस तरह हम बड़े मजे से जा रहे हैं ना, वहां से जाते हुए हमने उधर वेट करना है, बल्कि मैं आगे से निकालूंगा, मैंने जिधर जाना है वो रूट सीधा ही जाता है यहाँ से, तो मुझे इधर वापस आने की जरूरत नहीं पड़नी। ये जनाब हमारा जो है लभ दो का डर था जनाब, वही हुआ, हमें टाइम नहीं मिला गया। ठीक है, इन्होंने जनाब ये बोला है कि आपका लाइन 12 बजे, रश आपने देख लिया था कि वो उसने मुझे ऐसे इग्नोर किया कि मैं बयान नहीं कर सकता यहाँ पे। ठीक है, तो सीन अब ऐसा है कि जनाब हमने अब इसके अंदर पेट्रोल, हमें बार बार कह रहा है कि बंदे का पुत्र बने तो पेट्रोल मैनू हुआ, अब मैं जाऊँगा पेट्रोल। पहुंच गया जनाब पेट्रोल पंप पे। किधर है भाई तू? पेट्रोल इधर खुद डालना पड़ता भाई। निकला E10 डालेंगे हम। ये देखिए यहाँ पे कितना महंगा है पेट्रोल, आप लोग समझते हैं ये सस्ता है, बहुत महंगा है। पेट्रोल डलवा लिया जनाब, अभी हमने चलना है फिर भाई के पास और दोस्त के पास। चलो भाई लेट हो रहे हैं, लौंडा कब से वेट कर रहा हमारा। ये सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जनाब दुआएं दे रही है, देख कितना डलवा लिया मैंने, आधी टंकी करवा लिया, दुआएं दे रही है, लेकिन मेरे पंजी भी दिखा दी है, दवाई देनी है तो मैंने और की करना है। ओके जनाब लेट्स गो, मिलते हैं फिर जनाब हम आगे जाके, क्योंकि यहाँ पे रश बहुत ज्यादा है, तो मैं ड्राइव करते हुए ज्यादा फोन यूज करना सेहत के लिए हानिकारक भी हो सकता है ना। फिर टूट लेंगे मैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई। वालेकुम सलाम। सलाम बाद में लेंगे, पहले आप वीडियो में। दोबारा नहीं होगा, जो एक चीज होती है वो एक ही दफा होती है, दोबारा नहीं, एक दफा गुस्से आ तो सही, तेरा स्लोमो मैं ऐड करूंगा, बस बंद कर। डेली व्लॉगिंग ये बहुत अच्छी चीज है ना, ये बहुत अच्छी चीज है यार, इसका ना स्कोप बहुत अच्छा है आजकल। मुझे ये वीडियो दिखाना, अपनी कोई वीडियो दिखाना,
तो चढ़ेगी यूट्यूब पे देखना ना। भाई ये मेरा भाई है, ये पहला व्लॉग बना रहा है, ये अपनी जिंदगी में चेंज करना चाह रहा है खुद को, तो प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें और सपोर्ट करें मेरे भाई। ये होते हैं दोस्त। गले लगाया, रोना नहीं, गले लगा। वो क्या तेरे से ड्राइव क्यों नहीं हुई है? क्योंकि ये हार्ड है, इसका क्लच और नया है ना भाई, नया है, गाड़ी नहीं है। मास्टर तैयार ट्राई करने लगे हैं। गाड़ी तो बहुत अच्छी है। हाँ गाड़ी अच्छी है, गाड़ी अच्छी है, ये नहीं कह रहा कि हाँ बुरी है, छोटी सी गाड़ी है यार। ये सेंटर के लिए सबसे बेस्ट है ये गाड़ी। फ्यूल कंजप्शन बड़ी अच्छी है इसकी। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि पार्किंग का इशू नहीं होता इसका, कोई पार्किंग का ज्यादा इशू नहीं, जितना मर्जी लगा दे इसको। तुमको तो पता है यहाँ पे ज्यादातर मसला ही पार्किंग का है। मेरी गाड़ी चला के चेक की है? नहीं। देखो ना जरा, ड्राइव ठीक है? हाँ ड्राइव बहुत चाबी दे, उधर ही अंदर ही है। दिन भाई की गाड़ी चलाते हैं। फोर्ड है ये? फोर्ड 54 है। रवि वो जो मैनेजर है उसका? हाँ, दो मिनट उसका। अच्छा जी, ये तूने भी ले लिया है? ये उसी ये सूफी का रवि से मारे हैं। अच्छा रवि से लिया है। चाबी किधर है? गाड़ी पे है। गुड, गाड़ी अच्छी है आपकी भाई, गाड़ी अच्छी है। स्टेरिंग हल्का है ना, न्यू है ना, नई गाड़ी है ना यार। बस ये थोड़ी सी हुई है, ये हो जाएगी ठीक। ये डेंट है या वैसे ही है? ये डेंट भाई बड़ा है। ये भी हाँ वो अभी तक नहीं आया यार। ये नहीं, ये तो एक तरह का डिजाइन बन गया ना। ये कौन सा डिजाइन है? नहीं दोनों तरफ है ना, पता चलता है कि ये दोनों तरफ है, डिजाइन है यार। यहाँ से टेढ़ा ना नदी, ये को नहीं हो जाएगा। आज मैं गया हूँ उसके पास, कहता है कि कल 12 बजे लेके। मिला कितने का बोनट इसका? 150 का, 150 का ये है। और इसके अंदर कौन से होते हैं वो जो इसको कब करते हैं, वो जो इस तरह करके होता है वो है मेरे ख्याल में 40 के दोनों, ये वाला भी वो वाला भी। और क्या बोलते हैं पेंट? इसी जेनवन में मिल गया। अच्छा इसी पेंट में? हाँ, बट उसे मैंने इसका रेज सेंड किया है, मैंने कहा एक दफा देख ले इसके, इसी के रिलेटेड हो, ये ना हो कि फिर कम से कम हो तो वापस बंदा कर देना ईबे की पॉलिसी से। ये सीधा हो जाएगा इधर, वो थोड़ा सा डाल के ना इसको कर देगा सीधा। ये खुला हुआ ये है यार, ये थोड़ा है हुआ इस तरह ना, क्योंकि खुल गया था ना बिल्कुल, ये है इसको नीचे उसने बड़ा मतलब की मजबूती से बंद किया हुआ है, इसलिए इतना खुलता नहीं है ये। बाइक का जी क्या मैं बोलूँगा, क्या बाइक करना है लास्ट पे जो वो बाइक करते हैं जी, अपना ख्याल रखिएगा ये बोलना, वो मुझे क्या बोलना चाहिए? अच्छा कुछ नहीं यार, मेरा भी एक्सपीरियंस नहीं है। पता नहीं क्या बोलना चाहिए। एक ना एक नए किस्म का नया स्टाइल लेके आ, जो आपका ही हो, किसी को फॉलो ना करो आप, तो वो एक मज़े का होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और नहीं, ये भी सही नहीं है। यही तो मसला है ना, हम सोचने लग जाते हैं, जो दिल में बंदा बोल दे वही चल जाता है, उसका स्टाइल हिट हो जाता है। जनाब ये था मेरा आज का ब्लॉग, होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।